गुड आफ्टरनून एवरी वन, आई एम योर हिंदी टीचर. दिस इज़ फर्स्ट क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज. क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इसलिए हम हमारी वीडियो का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप नहीं करेंगे और बहुत आसान से शब्दों में छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आसान से शब्दों में उन्हें समझाने का ट्राई करेंगे. जब हमें हमारी बात किसी को बतानी होती है या उसकी बात को समझना होता है तो हम उसे बात बताने के लिए या उसकी बात को समझने के लिए बातचीत शुरू करते हैं. तो हम अपनी बात को बताने के लिए भी बातचीत का सहारा लेते हैं और दूसरे की बात को समझने के लिए भी वो हमसे बातचीत का एक पॉइंट देखता है कि वो हमसे बात करे और हम उसकी बात को समझ सकें. तो बेसिकली क्या है कि जो भाषा है मन की बात बताने का साधन है. हम सब लोग सुबह घर में जब उठते हैं तो देखते हैं कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, कोई रेडियो सुन रहा होता है, तो किसी ने न्यूज़ को टीवी पर देखना होता है. और आप लोग भी यानी छोटे छोटे बच्चे भी कभी कार्टून्स देखते हैं, कभी मोबाइल में कार्टून्स देखते हैं, कभी टीवी पर देखते हैं. तो ये जो सारे माध्यम हैं वो भाषा के ही हैं. इन सब के माध्यम से भाषा का संचार होता है. हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, किसी और को अपनी बात समझाने के लिए हम बातचीत करते हैं. इसी तरह से हम कई सारे माध्यमों के द्वारा अपनी बातों को बताते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं और बातचीत का कनेक्शन बना लेते हैं. भाषा मन की बात बताने का साधन है. कभी हम किसी से बातचीत अपने मुख के द्वारा बोलकर करते हैं तो कभी हम लिखकर करते हैं. तो बोलकर और लिखकर हमारे बातचीत के टू पॉइंट्स हैं कि हम या तो बोलकर किसी से बात करते हैं या फिर लिखकर करते हैं. बोलकर जो हम बातचीत करते हैं, किसी से बोलकर की जाने वाली बातचीत को मौखिक भाषा कहा जाता है. यहाँ मेंशन करते हैं ब्रैकेट में, जिससे कि याद रहे, मौखिक भाषा. इसमें क्या होता है कि हम बोलकर अपने मन की बात किसी दूसरे को बता सकते हैं और उसकी बात को सुनकर समझ सकते हैं. इसके दो कौशल होते हैं, यानी कि बोलना और सुनना. आप बोलेंगे तो आपकी बात को दूसरा व्यक्ति समझेगा और जब वो व्यक्ति बोलेगा तो उसकी बात को आप समझेंगे. ऐसे ही जो हमारा सेकंड है उसमें लिखकर हम अपनी बात को समझाते हैं. आपने सपोज़ कीजिए आप किसी दूर बैठे अपने फ्रेंड से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी दूर बैठे फ्रेंड को या किसी दूर बैठे रिलेटिव को उसका हालचाल पूछना चाहते हैं या अपने बारे में उसे कुछ बताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसे एक पत्र लिखेंगे. पत्र के माध्यम से आपको जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ बताना है, वो उसे बताएंगे और बताने के बाद में आप उसको भेज देंगे. सेम इसी तरह वो क्या करेगा कि वो भी अपना उसे जो कुछ बताना है वो लिखेगा और आपको भेज देगा. इस भाषा को हम क्या बोलते हैं जो लिखकर की जाती है? लिखित भाषा. जिसके माध्यम से हम बोलकर अपनी बातों को बताते हैं, जिसका रूप मौखिक रूप होता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि राधा ने अमित से पूछा कि तुमने आम खाया?
अमित ने बताया हाँ खाया। राधा ने फिर पूछा आम मीठा था अमित ने कहा बहुत मीठा था। जो हमारी भाषा जो हम बोलकर यानी मौखिक रूप के माध्यम से जो हम हमारी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे किस तरह से पहुंचाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ देखते हैं। राधा ने अमित से पूछा कि तुमने आम खाया। अमित ने कहा हाँ खाया। राधा ने पूछा आम मीठा था। अमित ने कहा बहुत मीठा था। यानी जो बात राधा ने अपने मुख से बोली उसे अमित ने सुना समझा और उसका आंसर किया यानी उसे उसका जवाब दिया। उसके बाद राधा ने उसकी बात को समझा सुना और समझा और उसके बाद उसने फिर उससे पूछा तो अमित ने फिर से उसे जवाब दिया। तो ये जो इनकी वार्तालाप है जो ये इन्होंने अपने मुख से उच्चारण किया है तो इसको बोलकर किया है। बोलकर उन्होंने अपने बात को समझाया है और अमित ने उसे सुना है और सुनने के बाद उसका जवाब दिया है। तो ये हमारे मौखिक भाषा यानी कि बोलकर की गई वार्तालाप है जो कि मौखिक भाषा का के अंतर्गत आता है। सेम ऐसा ही लिखकर जो हम लिखित रूप में करते हैं। सपोज़ आपने कहीं दूर बैठे किसी व्यक्ति से एक चिट्ठी लिखी आपने अपने दोस्त को और उस चिट्ठी के माध्यम से आपने पूछा कि तुम्हारा क्या हाल चाल है और तुम बहुत दिन से मुझसे मिले नहीं हो, आओ और मुझसे मिलो। तो उस मित्र ने आपके भावों को समझा उस चिट्ठी को पढ़ करके और उसके बाद में आपको क्या किया, उसे पढ़ने के बाद समझने के बाद उसे उस जवाब दिया आपको उसका और उसमें लिख कर भेजा कि हाँ ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तो जो वो आपने उसने आपकी चिट्ठी को पढ़ा और उसे समझा और फिर वापस आपको एक चिट्ठी भेजी जिसको आपने पढ़ा और समझा तो वो भाषा का क्या था, लिखकर यानी कि लिखित भाषा का रूप था जिसके अंतर्गत दो कौशल होते हैं। वो दो कौशल कौन कौन से होते हैं, एक पढ़ना और पढ़ने के बाद उसको समझना। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि भाषा मन की बात को बताने का साधन है जिसको हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बोल करके और एक लिखकर। बोलकर जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं अपने मुंह से बोलकर जो हम बताते हैं वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है और जो हम लिखकर यानी कि लिखित रूप में बताते हैं वो हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो भाषा क्या है, मन की बात बताने का साधन है। इट इज़ क्लियर। दो तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको, बोलकर करते हैं और लिखकर करते हैं। बोलकर करना यानी कि मौखिक भाषा और लिखकर करना लिखित भाषा। तो इतना हम जान लिए कि भाषा क्या होता है, भाषा क्या होती है, भाषा हमारे जो मन की बात है उन्हें बताने का साधन है और किस किस तरह से प्रयोग में की जाती है। इसके बाद हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आइए याद रखने के लिए लिख लेते हैं। भाषा का इस्तेमाल दो तरह से होता है। कैसे कैसे, बोलकर और
लिखकर। किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं? बोलकर और लिखकर। इसलिए भाषा के कितने रूप हुए? दो। नंबर वन मौखिक और नंबर टू लिखित। इज इट क्लियर कि भाषा का इस्तेमाल हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तरह से बोलकर और दूसरी तरह से लिखकर। बोलकर की जाने वाला जो माध्यम है वो मौखिक भाषा और जो लिखकर हम करते हैं वो लिखित भाषा। तो कितने रूप हुए भाषा के? दो रूप, एक मौखिक और एक लिखित। अब एक हमारा मौखिक है, एक लिखित है, ठीक है। क्या होता है कभी कभी कि हम आसपास अपने देखते हैं कुछ लोग होते हैं इस तरह के जिनके साथ हम बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, या कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हम देखते हैं कि लोग इशारों से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी भाषा का एक रूप होता है, जिस तरह मौखिक और लिखित होते हैं उसी तरह वो भी भाषा का एक रूप होता है जिसमें हम इशारों से बात करते हैं। हम अपनी बात बताने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को इशारा करते हैं और उसकी बात भी हम इशारे से ही समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी देखा है कि आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ में अपने फैमिली ट्रिप से कहीं घूमने गए होंगे, तो देखा होगा ट्रैफिक पुलिस जो खड़ी होती है चौराहों पर कहीं बड़ी जगह, तो वो क्या करते हैं, एक साइड की गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, दूसरी साइड की गाड़ियों को हाथ से ऐसे करके रोक देते हैं, इधर वाली जब चली जाती हैं तो फिर इन्हें स्टॉप कर देते हैं, फिर इधर वाली साइड की गाड़ियों को निकालने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उनके साइंस होते हैं, जो वो ऐसे करके बताते हैं, रोकते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि अब ये इन्हें रुकने का इशारा कर रहा है या अब इन्हें रुकने का इशारा कर रहा है, और उससे क्या होता है, वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी बात उन्हें समझाने के लिए इशारे का सहारा लेते हैं, इशारे से उन्हें हम समझाते हैं, या जो कुछ सुन नहीं पाते हैं उनको भी हम इशारे से बताते हैं, जिससे क्या होता है, वो हमारी बात समझ जाते हैं और वो भी हमें ऐसे इस तरह से बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जिस तरह हम समझ जाएं, ठीक है। तो मौखिक और लिखित भाषा के अलावा भी एक और रूप होता है कि जब हम बोल नहीं पाते तब इशारे के द्वारा अपनी बात को समझा सकते हैं, ठीक है। भाषा का इस्तेमाल दो तरह से होता है, बोलकर और लिखकर। इसलिए भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा, जिसके अंतर्गत हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और उसकी बात को सुनकर समझते हैं, और लिखित रूप में हम अपनी बात लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं और उसी तरह उसकी लिखी हुई बात को पढ़कर और उसको समझते हैं। इन दोनों रूपों के अलावा जो हम तीसरी तरह से अपने भाषा जो है उसे समझ सकते हैं, वो है हमारा इंडिकेट करना, कि जब हम बोल नहीं पाते तब हम क्या करते हैं कि किसी को इशारे द्वारा किसी को इंडिकेट करके अपनी बात को समझा सकते हैं। तो भाषा क्या है, हमारी बात बताने का, हमारे मन की बात बताने का साधन है, और भाषा के जो रूप हैं और किस तरह हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं ये हम क्लियर कर चुके हैं। एक और बात कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है।
हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन उसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उनके कल्चर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ किया जैसा जाता है। जैसे पंजाबी लोग होते हैं, पंजाब के लोग जो होते हैं पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ लोग तेलुगू बोलते हैं तो तमिल बोलते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो वो सब जो हैं वो जगह के हिसाब से उनकी जो लैंग्वेज है, बोली है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइजेज होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आप इतना ध्यान से सुनिए, देखिए और उसे समझिए। थैंक यू।